हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी इस नए इनोवेटिव टारगेट 100 स्टूडेंट में। और मैं आज आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो है, जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट, मैं वो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक देखेंगे किस तरह के, एक एक कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो ज़ोरदार सेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। तो ये सेशन शुरू, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग सुधीर सर को अब आप अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। जो फॉलो करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकैडमी में सुधीर सर के रेलवे के और UP SSSC के और UPSC के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो अनअकैडमी में सुधीर सर को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें ये क्वेश्चंस देखते हैं। पहले सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग अब चलिए शुरू करते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग पहला टाइप देखते हैं कि एक रेखा में, क्योंकि देखिए सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि बहुत सारे बंदों को दिया जाता है, कई व्यक्ति दिए होते हैं, ABCDEFG कितने भी हो सकते हैं, उनको किसी न किसी क्रम में बैठाया हुआ होता है और फिर आपसे पूछता है उसके बाएं कौन है, उसका दाएं कौन है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इनको कई टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला टाइप ये होता है कि जब जब जितने भी कैंडिडेट दिए होते हैं सबको एक लाइन में बिठा दिया जाता है और फिर उसके बाद उनसे पूछा जाता है। तो ये सबसे इजी पोर्शन है, सबसे इजी है। अगर इजी मतलब इजी इन द चैप्टर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में जो है ये सबसे इजी पोर्शन है, ठीक है, कि एक लाइन में बिठा देना और उसके बाद पता करना, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि क्वेश्चन लिख लिया हुआ है और आपको मैं यहीं पर लाइव सोल्यूशन बताऊँगा कि किस तरह आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई बेसिक रूल तो बहुत लंबे लंबे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इधर दायाँ होता है, इधर बायाँ होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो होता है, ये जो आपका होता है, ये क्या होता है, ये दायां होता है, ये दायां होता है, और ये क्या होता है, बायां होता है, ये राइट लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है आपका, राइट होता है, हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलिए शुरू करते हैं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 विद्यार्थी ABCDEF एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। तो एक बेंच हमने ले ली, मान लिया ये एक बेंच है जिसमें कि ABCDEF और बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, BF और D के बीच में है, जितना बोला जाए उतना आप करते जाओ, ठीक है। चलिए हम कलर चेंज करके सब कुछ बताता हूँ आपको, ठीक। क्या बोला हुआ है, बी जो है, बी हमने मान लिया यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बी, बी जो है यफ और डी के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक काम किया करिए, ठीक है, मान लिया यहाँ यफ और डी के बीच में बता रहा है ये, ठीक है। तो यानी कि अभी यफ यहाँ होगा या डी यहाँ पे होगा, इनकी पोजीशन श्योर नहीं है, तो लेकिन इतना श्योर है यहाँ पर या तो यफ होगा या डी होगा, यहाँ पर या तो यफ होगा या डी होगा। तो इनकी पोजीशन जब भी कभी भी श्योर ना हुआ करे तो आप लोग क्या किया करिए, इनको जो है थोड़ा सा ऊपर लिखा करो। मान लीजिए यहाँ पर हमने यफ ले लिया, यहाँ पर हमने यफ ले लिया और यहाँ पर हमने डी ले लिया। जब इनकी पोजीशन श्योर हो जाएगी तो हम इनको यहाँ पर लिख देंगे, जब तक पोजीशन श्योर नहीं होती तो यहाँ पे हम लिख देंगे, लेकिन इन दोनों में से यहीं पे होगा, ठीक है। इसके बाद अगला पूछते हैं, अगला देखते हैं। ई जो है ए और सी के बीच में है, अभी ई और ए, देखिए अगला लाइन क्या आ गया, ई ए और सी के बीच में है, यानी कि अभी इनके इनके बीच में कोई भी अभी हमें रिलेशन नहीं मिला हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ए जो है यफ और डी के बगल में, ए यफ और डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि ए जो है यहाँ पे, मान लिया अगर हम यहाँ रखते हैं इसको, तो ए यफ और डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। सी डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो बताएं ए कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ई जो है ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि तीन बंदों की जगह तो हो गई और तीन बंदे अभी और खाली हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ई अगर हम यहाँ रख देंगे, ई यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ई यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डी है, ए जो है यफ, ना तो यफ के बगल में और डी के बगल में। अगर हम यहाँ पे ई रख देते हैं तो यहाँ ए आ जाएगा या फिर डी आ जाएगा, तो यफ और डी के बगल में यहाँ पर दिया हुआ, इस वजह से हम ई को कहाँ पर रखेंगे, ई को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो ए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और सी यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह उठ रहा होगा कि यहाँ पर भी तो ए ले सकते थे, यहाँ पर ए इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बी जो है, ई जो है ए और सी के बीच में है, और इसके बाद ए यफ और डी के बगल में नहीं है। तो यहाँ पे अगर यफ लें या डी लें, कुछ भी लें, यहाँ पे अगर ए नहीं आ सकता, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। और सी जो है वो
डी के बगल में नहीं है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा, यानी डी यहाँ पे, यानी ये जो हमने पोजीशन मानी है ये बिल्कुल सही है, ये यफ यहाँ हो जाएगा और ये डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्रम बनेगा वो ये क्रम बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पूरा हमने देख लिया, छः लोगों को ऐसे अरेंज कर लिया। इसके बाद इसमें जो क्रम बताया गया, ए के ठीक दाएँ, ठीक है, तो ए के दाएँ कौन बैठेगा, ये ई बैठा हुआ है, ए के दाएँ क्या है, ई बैठा हुआ है, तो ई इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टाइप फर्स्ट सीखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर ये टाइप समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको आगे जो टाइप है इसमें टाइप टू में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, दाएँ बाएँ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद टाइप टू में देखते हैं दो पंक्तियों में व्यवस्थीकरण। अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो भी बंदे बैठे हुए थे वो सिर्फ एक पंक्ति में बैठे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो पंक्तियों में बैठाएंगे, दो पंक्तियों में आमने सामने बिठाएंगे, ठीक है, जैसे कि बेंच में बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे कि कहा जाए ए के आमने सामने, ठीक है, एक पंक्ति है, तो ए के आमने सामने, तो ए के आमने सामने क्या बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, बी के आमने सामने क्या बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, सी के आमने सामने क्या बैठा हुआ है, यफ बैठा हुआ है। लेकिन अगर इसी के विकर्णवत बात की जाए तो ए के विकर्णवत कौन बैठा हुआ है, यफ बैठा हुआ है, और सी के विकर्णवत कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, और या ए के विकर्णवत यफ और सी के विकर्णवत डी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब इसी बेसिस पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर टू है, टू में क्या बताया हुआ है, आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच दो पंक्तियों में चार चार होकर आमने सामने बैठे हुए हैं, बी एवं सी आमने सामने हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आमने सामने जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, और जहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि अब आगे क्या करना है वो स्टेप छोड़ दीजिए और आगे का स्टेप आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो बी एवं सी आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या के लिया, हमने इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया, ठीक, यहाँ पे मान लिया, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आमने सामने बैठे हैं तो हमने इनको आमने सामने बिठा दिया, सी डी और ई के बीच में है, ठीक, सी जो है, जो ये सी है ये डी और ई के बीच में है, यानी कि डी या तो यहाँ पे होगा, डी या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ई इसी तरह पोजीशन पे होगा, ई के बाईं और एच बैठा हुआ, यानी सिंपल सी बात है, जो ई है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तभी ई के बाईं ओर, क्योंकि ई के बाईं ओर यच बैठाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम ई रख देंगे तो ई के बाईं ओर कौन सा बैठा हुआ है, सी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हम ई यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो ई इस वजह से यहीं रखा जाएगा, और डी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यच बैठा हुआ, ई के बाईं ओर यच बैठा दिया, इधर की ओर जब रखते हैं तो बायां होता है, इधर की ओर दायां होता है, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे किसको बैठा दिया, यच बैठा दिया, यफ यच बैठा हुआ है, ठीक है, जो यफ के विकर्णवत है, यानी यच जो है किसके विकर्णवत है, यफ के विकर्णवत है, तो यफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। जी और बी पास पास नहीं है, ठीक, जी और बी पास पास नहीं, यानी कि अब बचे कौन, दो लोग बचे, जी और बी पास पास नहीं है, तो जी यानी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रख देंगे तो पास पास हो जाएंगे, और जी और बी क्या बोला, पास पास नहीं है, तो इस वजह से क्या करेंगे, जी की पोजीशन कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, और अब बचा कौन सा, देखिए ए बचा होगा बस, और सारे कुछ हो गए होंगे शायद, हाँ ए बचा, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ठीक है, आ गया समझ में, नहीं क्लियर हुआ फिर से एक बार बता दूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से एक बार, मैं आपको स्पीड से रेड कलर में इसी को बता देता हूँ, इसी के ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में था, आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच दो पंक्तियों में चार चार होकर बैठे हुए हैं, बी सी के सामने बैठा है, जैसा बोल रहा वैसे करते जाइए, ठीक। बी क्या हुआ है, सी के सामने बैठा, हमने बी को सी के सामने बना दिया, ठीक है। इसके बाद सी डी और ई के बीच में है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे बस सबको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सी जो है डी और ई के बीच में है, ठीक। अब यहाँ पे हमें नहीं कन्फर्म हो रहा है कि ई यहाँ पे होगा या डी यहाँ पे होगा, ठीक है, लेकिन इन्हीं दो पोजीशन पे होगा। लेकिन जैसे ही हम अगली लाइन पढ़ते हैं, ई के बाईं ओर एच बैठा है, अगर मान लिया हम ई यहाँ पे पुट कर देते, सपोज अगर ई यहाँ पे पुट कर देते तो बाईं ओर एच कैसे बैठता, ठीक, बाईं ओर तो ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, इस वजह से ई यहाँ पर नहीं होगा, तो ई होगा कहाँ पर, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब ई यहाँ पे होगा, तब बचा कौन सा, यच, तो यच कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन क्या है, ई के बाईं ओर यच बैठा हुआ है, तो ई के बाईं ओर हमने क्या किया, यच बैठा दिया, ठीक।
जो यफ के विकर्णवत है, यच किसके विकर्णवत है, यफ के विकर्णवत है, ठीक। तो यफ की पोजीशन कहाँ हो गई यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके ये विकर्णवत है यहाँ पे, तो यफ की पोजीशन कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, ठीक। अब बता, अब क्या बोल रहा है, जी बी पास पास नहीं है, जी बी पास पास नहीं है, यानी कि जी की पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जी यहाँ पे रख दिया जाएगा तो ये जी बी पास पास हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जी बी पास पास नहीं है, इस वजह से जी की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो अब जी यहाँ रख दिया तो एक बचा, अब सारे हो गए, कौन सा बचा, ए बचा, तो सिर्फ हम ए को रख देंगे यहाँ पे, और एक, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जब दो लाइन समांतर में बैठाते हैं तो उस तरह, इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस तरह सॉल्व करते हैं, दो लाइनें खींच लेंगे प्रॉपर तरीके से, और जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अब दो लाइन पे हो गया, चलिए आइए हम लोग देखते हैं चार लाइन पे चतुर्भुजा क्रम में अगर बैठा दिया गया तो फिर हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी कभी भी अगर आपको जैसे चतुर्भुज में है, सर्किल में है, अगर कभी भी ध्यान, एक बात याद रखना कि जो उनके मुंह हैं वो अंदर की ओर हैं या फिर बाहर की ओर हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे कि अंदर की ओर मुंह होंगे, सपोज दी का मुंह इधर की ओर है, ठीक। इसमें देखिए थोड़ा सा बात समझने की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी चीज़ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। डी का मुंह अगर अंदर की ओर है तो उसका जो दायां होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, और जो बायां होगा वो इधर होगा, ठीक। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर डी का मुंह बाहर की ओर हो जाए, अगर डी का मुंह बाहर की ओर हो जाए तो जो उसका दायां हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, वो इधर की ओर हो जाएगा, और जो बायां हो जाएगा वो इधर ही हो जाएगा। जबकि जब अंदर की ओर मुंह है तो इसका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखा करिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चतुर्भुज में बिठाया जा रहा है या फिर सर्किल में बिठाया जा रहा है, तो ये बात हमेशा याद रखा करिए कि जो उनका मुँह है वो अंदर की ओर है या फिर बाहर की ओर है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उनका मुंह जो है वो अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या बोल रहा है, ए सी और बी और डी आपस में जोड़ीदार हैं, यानी कि यहाँ पे ए या सी बैठेगा, बी और डी इधर बैठेंगे, या फिर बी डी यहाँ बैठेंगे तो ए सी यहाँ बैठेंगे, ठीक है। डी जो है सी के दाईं ओर है, अगर हम सी को यहाँ ले लें, सी यहाँ ले लें, तो सी के दाईं ओर कहाँ हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। और जिसका जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है, तो सी का मुंह किधर की ओर हो गया, पश्चिम, सी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो देखो यहाँ पे गलत हो गया, सी का मुंह किधर की ओर हो गया, पूरब की ओर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी को अब हम लोग किधर बैठाएंगे, सी पश्चिम की ओर है मुंह, तो सी को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे, और डी के दाईं ओर है तो डी को हम लोग कहाँ बिठा देंगे, यहाँ पे बिठा देंगे। आया समझ में, डी के दाईं ओर हो गया और सी का मुंह किधर की ओर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया, पूरी बात सही हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए और सी जोड़ीदार हैं तो ए कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, और बी और डी जोड़ीदार हैं तो बी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। अब बताएं डी का मुख किस दिशा की ओर है, तो डी का मुख इधर की ओर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको पूरा, ठीक है। जब इसमें बोल रहा है कि सी का मुंह पश्चिम की ओर है तो सी का हम लोग मुंह यहाँ रख देंगे, फिर क्या बोला, डी सी के दाईं ओर है तो डी को यहाँ रखेंगे तभी इसके दाईं ओर होगा, अगर यहाँ रख देंगे डी तो डी के सी क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। तो डी हमने यहाँ पे रखा, अब हमने पता था कि ए सी और बी डी आपस में जोड़ीदार हैं, तो ए को जो कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, और बी को यहाँ पे बैठाएंगे। इसके बाद पूछा डी का मुख किधर होगा, डी का मुख किधर की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इसमें। अब इसके बाद अगला जो इसका जो अगला वीडियो होगा वो सर्किल पे होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखें कि, तो अगर आपके जैसे जो वीडियो का एग्जाम है तो उस वीडियो के एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन है ये वाले, और एक सर्किल का मैं टाइप बताऊंगा जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो में 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो डेफिनेटली एक बात से हो रहा है कि कोई ना कोई सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा जिससे 3, 4, 5 क्वेश्चन तक पूछे गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं सर्किल का बताऊंगा, साथ ही साथ इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये दाईं ओर बाईं ओर करके करीब 25 से 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा इनमें, जो है लगाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी बेसिस पर आपको लग जाएंगे, क्योंकि आप बेसिक सीख चुके हैं इसका, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसका पार्ट टू में, जिसमें कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट आपको सर्किल में बिठाऊंगा, आठ लोगों को सर्किल में बिठाऊंगा। और ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि सर्किल के क्वेश्चन, अगर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहा है तो आप ही मानिए 60% 70% चांसेज होते हैं कि वो क्वेश्चन सर्किल से आएगा। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो जरूर देखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।